भैया चलो ना, थोड़ा जल्दी चलो, बाबा के घर मुरली शुरू ना हो जाए। चलो चलो जल्दी जल्दी बाबा की याद में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 17 अगस्त 2023 की मुरली बाप दादा का मधुर महावाक्यों में 5 मुख्य बातें याद रखेंगे। पहला, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। दूसरा, सदा हर्षित रहना यह बहुत अच्छा मैनर है। तीसरा, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है, भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। चौथा, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करना है। पांचवा, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सद्गुरु। सच्ची दिल से याद करना, सदा हर्षित रहना, अशरीरी बनने का अभ्यास, संगमयुगी बादशाही, मास्टर सद्गुरु। आज का चिंतन, मैं आत्मा मास्टर सद्गुरु ज्योति बिंदु हूँ। मैं एक चैतन्य ज्योति परम प्यारे अति प्यारे बाप दादा का संतान हूँ। मैं सच्ची दिल वाले सदा बाबा के श्रीमत पर चलने वाले सच्ची दिल से बाप को निरंतर याद करते रहेंगे। मैं सदा हर्षित चित आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा बाप को साथ रखेंगे, भोजन पर भी पूरा अटेंशन रख के बाप को याद करेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास बीच बीच में करते रहेंगे। मैं आत्मा सब कुछ बाबा हवाले कर संगमयुगी बादशाही हूँ। मैं मास्टर सद्गुरु एक एक वाक्य महावाक्य रूप में बोलेंगे, बाबा के ही महावाक्य उच्चारण करेंगे। मैं सच्चे दिल से बाप को याद करने वाले सदा हर्षित रहने वाले अशरीरी बनने का अभ्यास निरंतर करने वाले संगमयुगी जीवन का अनुभव करने वाले मैं मास्टर सद्गुरु आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम प्यारे अति प्रिय बाप दादा का संतान हूँ। मस्तक सिंहासन पर बैठ सृष्टि रंग मंटप पर पाठ अदा कर रहा हूँ। अभी अपना घर वापस जाना है बाप के साथ। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, मैं आत्मा परंधाम निवासी हूँ, परम पिता के साथ का अनुभव कर रहा हूँ। ओम शांति। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं, ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा तेरी।
Thank you.